आ रहे हैं भैया। दीनू, देखते ही रहोगे या दोगे भी? भौजी, आप ही बताओ कितना लोगी? वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ ताजा तो है ना? ये भी कोई बात है भौजी, ये कभी बासी होता है का? होता है ना, कभी कभी खट्टा होता है, तुम्हारे भैया को पसंद नहीं आता है। भैया जी, वो भी टेस्ट करते हैं का? वो तो तुम्हारे भैया करते ही है। ठीक है, उन्हें भी टेस्ट करवा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बाबा, तुम्हारे भैया को ताज़ा ही चाहिए, वो टेस्ट के बगैर लेते ही नहीं है, हमें तो सब कुछ चल जाता है। हाँ ठीक है, अभी हम दोपहर को पूछ लेंगे, अभी कितना दूँ? ठीक है, 2 लीटर दे दो, लेकिन दोपहर में ज़रूर आना, ठीक है? जरूर आएंगे भौजी। आपका भी दूध अच्छा है भौजी। तुम्हें तो अपनी दुकान की बस पड़ी है। सपना जल्दी करो, मुझे दुकान जाना है। आ रही हूं ना बाबा, तीनों से लेके। क्या? अरे दूध भैया जी, दूध टेस्ट कर लीजिएगा। हाँ हाँ चल दीनू, तू जा, लेकिन दोपहर में जरूर आना, ठीक जी है? जी बिल्कुल भौजी। क्या हुआ? वो बताना भूल गया था कि दूध बहुत टेस्टी था। ठीक है, बता दूंगी दीनू को, अब जाओ दुकान पर। अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ? वो रात को फिर से पीऊंगा, तैयार रहना। अरे बाबा, मैं तो तैयार ही हूँ, चाहो तो आओ एक बार और एक बार पीकर चले जाओ। तुम्हारी टंकी तो हमेशा फुल रहती है, लेकिन हमारा सिग्नल तो कभी कभी लगता है। जानू, जब तुम्हारा सिग्नल आ जाएगा ना, तो वापस दुकान से चले आना। अब तुम जाओ। अच्छा ठीक है, चलते हैं, जाओ। फिर आ गए, अब की बार तो छोड़ूंगी ही नहीं। राकेश तुम? अरे भाभी जी, ये क्या वेलकम स्वीट था? मुझे लगा कि तुम्हारे भैया होंगे। अरे भाभी जी, आज तो आपने हमारी किस्मत ही चमका दी। अब ज्यादा सपने मत देखो, चलो अंदर। भैया बताए नहीं का कि हम आने वाले हैं? तुम्हारे भैया बताए थे कि कल परसों आओगे, आज टपकोगे ये नहीं बताए थे। हाँ क्या करे भाभी जी, ये स्वीट की बहुत जल्दी थी ना। बस भी करो अभी। अरे भाभी जी, हमारी तुम्हारी नोकझोंक तो वैसे ही आग थी, ऊपर से आपने घी डाल दिए। बस बात घी तक ही रखना, कुछ और डालने की मत सोचना। अरे भाभी जी, डालना तो चाहते हैं पर। पर क्या, तनाव में कमी है? अरे भाभी जी, तनाव तो ऐसा है कि आपके घाघरे को उठा के तम्बू बना दें।